हेलो फ्रेंड्स, इस धरती पे इंसान बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। उसमें 800 मीटर की ऊंची वाली बुर्ज खलीफा रहती है या 4000 ईयर्स के पहले बनाई गई इजिप्ट पिरामिड्स रहते हैं। बट इस धरती पे बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट करके बनाए गए बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स यूजलेस पड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में ह्यूमन से बनाए गए यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमारे फर्स्ट नंबर पे आती है इंटरस्टेट H3 हवाई। एक मेगा प्रोजेक्ट एक घनी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरने वाली हाईवे है। ये मेगा प्रोजेक्ट अमेरिका से करीब रहने वाली हवाई नामक आइलैंड पर रहती है। ये हाईवे दिखने में बहुत सुंदर लगती है। इसको बनाने में 1.3 बिलियन डॉलर्स कॉस्ट पड़ा है। इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बना दिया तो भी इसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रास्ता अच्छा नहीं है। इस हाईवे को हलावा सिटी पहाड़ों के उस तरफ रहने वाली सिटी को कनेक्ट करने के लिए पहाड़ों के बीच में से बनाया गया है, बट लोग डायरेक्ट इस हाईवे को यूज नहीं करते हैं, बल्कि होनोलुलु सिटी को जाके वहाँ से उस तरफ की सिटी को जाते हैं। और ये हाईवे को बनाने में लगभग 30 इयर्स का टाइम लगा है। 1997 में ये हाईवे स्टार्ट हुआ है। हमारे नेक्स्ट नंबर पे आती है सुइडा रियल सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन। यूरोप के कंट्रीज में स्पेन एक बड़ा टूरिस्ट हब है। इस कंट्री के हर एक साल बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। कई कंट्रीज से आके यहाँ बस स्टे करके चले जाते हैं। इन टूरिस्ट के कारण स्पेन की मेन एयरपोर्ट मैड्रिड एवरी ईयर ओवर क्राउडेड रहती है, इसलिए ये नया एयरपोर्ट को बनाया गया है। इस एयरपोर्ट को 2009 में 1.9 बिलियन डॉलर से स्टार्ट किए थे। 2012 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, बट इस एयरपोर्ट को यूज करने के लिए लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये एयरपोर्ट बाकी सिटियों से बहुत दूरी पर है और मैड्रिड से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके इस एयरपोर्ट को यूज करने बोले तो वहाँ पर लोगों को अच्छा नहीं लगती है, इसलिए ये एयरपोर्ट यूजलेस पड़ा हुआ है। हमारे नेक्स्ट नंबर पे आती है नाइपिडाव म्यांमार। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक सिटी है। म्यांमार की बड़ा और मेन कैपिटल सिटी यांगन है। यहाँ के गवर्नमेंट म्यांमार की कैपिटल सिटी को शिफ्ट करना चाहती है, इसलिए नाइपिडाव सिटी को पूरा स्क्रैच से बिल्ड किया है। कैपिटल स्टेट को और भी बहुत सारे कंट्री शिफ्ट किए थे, उसमें पाकिस्तान भी है, बट म्यांमार की सिचुएशन अलग है। 2005 नवंबर में म्यांमार की लीडर कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने का डिसीजन लेता है। इस कैपिटल शिफ्टिंग डिसीजन का करेक्ट रीजन मालूम नहीं है। यांगन सिटी में लगभग 7 बिलियन पीपल यहां पर रहते हैं, और भी लोग आया तो यहां पर रहने के लिए प्लेस भी नहीं है। इसके कारण गवर्नमेंट नया कैपिटल सिटी को बिल्ड करने का निर्णय लिया है। लगभग 4 बिलियन डॉलर्स को इस सिटी को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट किए थे। इस नया कैपिटल सिटी में 20 लाइंस की हाईवे है, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल्स है। इस होटल्स का समूह को एक डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है, गोल्फ कोर्स भी है और म्यूजियम भी है। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बाद भी लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। इस नया कैपिटल सिटी में एजुकेशन यूनिवर्सिटीज नहीं है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज भी उतना अच्छा नहीं है। इस रीजन के कारण नाइपिडाव सिटी एम्प्टी रहती है। 20 लाइन से बनाए गए रोड भी एम्प्टी रहती है। यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट भी है, बट इसको भी पीपल यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर रहने वाली शॉपिंग मॉल्स भी खाली पड़ी रहती है, इसलिए इस सिटी को गोस्ट सिटी भी कहते हैं। हमारे नेक्स्ट नंबर पे आती है फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। ये एक ग्रीन फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी है। ये सिटी को ऐसा बनाया है कि इसमें रहते तो फॉरेस्ट में रहने वाली फील आती है। ये सिटी सिंगापुर कंट्री के आसपास रहती है। ये सिटी पूरे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करती है। 2035 तक ये सिटी कंप्लीट होने वाली है। इसको बिल्ड करने में लगभग 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे है। इस सिटी में 80% ऑफ इन्वेस्टर्स चाइनीज लोग है। चाइनीज लोग यहाँ पर फ्रीली आ सकते हैं और जा सकते हैं। इस सिटी में रहने वाली अपार्टमेंट्स को मलेशियन सिटीजन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्राइस उतना ज्यादा है। मलेशिया गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कुछ नया रूल्स लेके आए है। इन रूल्स के कारण फॉरेनर्स इन्वेस्ट करना बंद हो गया है। 2020 में इस सिटी में सिर्फ 500 पीपल ही जी रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट सिटी एक यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट बन गया है। ओके गाइस, ये है यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, बट उस सारे प्रोजेक्ट्स को आप इसी वीडियो में बनाए तो एक बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं 4 प्रोजेक्ट्स को आपके सामने लाया हूँ। वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन रहते उसको दबा दीजिए, और नीचे एक सब्सक्राइब बटन रहते उसको भी दबा दीजिए।